कोरोना का जंग जीतकर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडे ने सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण किया। सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडे ने जरूरी कार्यों को निपटाया। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडे ने कहा कि कोरोना की जंग जीतकर वापस अपने काम पर वापस लौटा हूं और लोगों को आगाह करता हूं कि कोरोना बहुत ही घातक बीमारी है, इससे बचाव ही इसका उपचार है। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडे ने बताया कि जिले में अभी तक लगभग 15,000 कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं और लगभग 250 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि 8 महीने से हम लोग कोरोना का जंग लड़ रहे हैं, जिसके जद में मेरा पूरा परिवार भी आया, लेकिन सावधानी और सुरक्षा के साथ हम लोगों ने कोरोना की जंग जीता है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी होने की वजह से कोरोना वार्ड सहित सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता है तो हमारी नौकरी है, लेकिन जो वो लोग सतर्क रहें जिन्हें भीड़ भाड़ में नहीं जाना होता है। जिलाधिकारी ने कहा कि मात्र 3 मूल मंत्र अपना कर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। खासकर बुजुर्ग व्यक्ति को कोरोना से बचना होगा, जिससे कोरोना से हो रही मौतों को रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडे ने कहा, वो मीटिंग 1 बजे लगा रहे हैं सर, उसका दशहरा दीपावली वाला उन्होंने काफ़ी जागरूकता थी और उसको लेकर के अब भी थोड़ा प्रभावित हो गए थे, फिर वापस आ गए ज्वाइन किया सर, क्या कहें। देखिए अब ये जंग सब लोग मिलकर लड़ना है। आप जानते हैं गोरखपुर में अब तक तकरीबन 15,000 लोग का कोरोना आ चुकी है, ठीक भी हो गए, कुछ लोग हम बचा नहीं पाए, करीब तो 250 लोग गुजर गए, और ये जंग तो करीबन पिछले आठ महीने से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। और आपसे बार बार ये गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम भी अभी कोरोना से जीत के आए हैं, एक तरफ से पूरा परिवार हमारा प्रभावित हुए थे, पिछले 10-15 दिन में हम भी उस पर परेशान थे। ये बीमारी तो दर्दनाक तो है, ताकि इसका कोई इलाज तो है नहीं, वायरल बीमारी है, आता है तो फिर पूरा शरीर का प्रोटीन ईटीन पूरा ख़त्म करके आपको कमज़ोर करा करके फिर आपको उभरने में महीना लग जाता है। और ये तो ठीक है, हम लोग तो कम उम्र का है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और परेशानी उन्हीं को होता है, किसी का मान लीजिए पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हो और पहले से बीमार हो और पहले से ही बुज़ुर्ग हो, उन्हीं लोग का जानलेवा हो जाता है। और जाने अनजाने में मान लीजिए हर घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग तो होते हैं, आप जानते हैं, और किसी के गलती की वजह से सजा किसी को भोगना पड़ता है। ये भगवान भरोसा में हमारे घर पे ऐसा कोई बुज़ुर्ग नहीं है अभी फिलहाल गोरखपुर में, इसलिए हम लोग सब बच के निकल गए। यदि मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग होते होंगे तो काफ़ी तकलीफ़ उनको उठाना पड़ता होगा, और इसलिए तो बार बार मैं कह रहा हूँ ये केवल बीमारी लापरवाह की बीमारी है। हम इतने बार कहने के बाद भी मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, हाथ बार बार नहीं धोते हैं। हम देखिए हम लोग वॉरियर के रूप से मजबूरन सामना करना पड़ता है, हमें कोरोना वार्ड में जाना पड़ता है, रोज़ जनता के बीच में जाना पड़ता है, कोरोना पेशेंट के बीच में जाना पड़ता है, वो हमारा नौकरी है और मजबूरी है। बट आप लोग का कोई मजबूरी नहीं है, आप कितने बचा के रख सकते हो उतने बचा सकते हो। मैं आपसे बार बार यही गुजारिश करता हूँ, अभी आगे मुझे लग रहा कम से कम 4-5 महीने तो लगेगा उसका टीकाकरण आने में, अभी ट्रायल चल रहा है, जाड़े में इसका प्रकोष्ठ बढ़ेगा। वैसे ही जो आप जानते हैं नॉर्मल फ्लू है, जो खांसी जुकाम ये सारे चीज़ जाड़े के समय में ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, जाड़े के पहले बढ़ता है, इस समय में और बढ़ेगा एंड साथ साथ कोरोना का भी प्रकोष्ठ बढ़ेगा। एंड और अन्य देश कहाँ कहाँ यूरोपियन देश में दोबारा फिर पीक में चला गया, कहीं अभी तो भारत में भी, दक्षिण भारत में भी 2-3 स्टेट में, केरल और स्टेट में फिर दोबारा पीक में आ गया, ताकि ये एक साइकिल है, ऐसे नहीं एक बार आकर के चले जाएगा, ताकि बार बार ये आ सकता है आदमी को। इसको 3 ही मूल मंत्र है, वही बचा पाएगा आपको। बिना मास्क को घर से बाहर मत निकालिए, मास्क ज़रूर पहनिए, 6 फुट का दूरी, 2 गज का दूरी है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद फिर हाथ बार बार धोना है, तीनों मूल मंत्र कतई मत भूल जाइए। और इसको तो हमें पूरे ज़िंदगी हमारा लाइफ में ये तीनों लाइफ स्टाइल को लाना पड़ेगा। आपसे यही अनुरोध करता हूँ, बचाव ही इसका इलाज है, बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो करिए, और घर से खासतौर पर बुज़ुर्ग लोग और कमज़ोर लोग का ध्यान रखिए, उन्हीं लोग का ही जान बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।